सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। पीएचयू लुधियाणा विच महाबहस विचों गैर हाजिर रहे विरोधी, खाली पईआं रहीआं कुर्सियां। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब दे करजे समेत अहम मुद्दे नूं लै के पुराणीआं सरकारां उत्ते कसे तंज। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 1984 सिख कतलेआम दौरान मारे गए सिखां दी याद विच कढ़े गए कैंडल मार्च। प्रधान हरमीत सिंह कालका ने कहा, अज भी इंसाफ की उड़ीक कर रहे ने पीड़ित परिवार। जीरकपुर के बलटाणा विच पंजाब पुलिस ते गैंगस्टरां दे दरमियान मुकाबला। पुलिस ने काबू किए तीन गैंगस्टर, गोली लगन नाल डीएसपी अते इक गैंगस्टर जख्मी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। लुधियाणा स्थित पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम विच मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों महा डिबेट रखी गई। इस डिबेट विच भावें पंजाब दीआं सारीआं वड्डीआं पार्टियां दे आगूआं नूं सद्दा दित्ता गया सी, जिस विच कांग्रेस दे प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल, भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ते विरोधी धिर दे आगू प्रताप सिंह बाजवा दे नाम शामिल ने। पर इन्हां विचों कोई भी आगू बहस विच शामिल नहीं होया। इन्हां आगूआं दीआं ऑडिटोरियम विच बकायदा नां लिखीआं कुर्सियां विच रखीआं गईआं सन। सिर्फ मुख्यमंत्री भगवंत मान बैठे नजर आए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता को संबोधन करदे अपनी सरकार दीआं प्राप्तियां गिणवाईआं ते कहा कि अज इत्थे ना तो जितण हारन का कोई मुद्दा है ते ना ही जिंदाबाद मुर्दाबाद करनी है, सगों पंजाब के गंभीर मसलों की गल करनी है। मुख्यमंत्री पंजाब ने भी कहा कि चंगा हुंदा जेकर उन्हां दे साथी इत्थे आउंदे। उन्हें कहा कि पिछले 25-30 दिनों तो बहाने लगाउंदे उह इत्थे तक पुज गए हैं कि असीं बहस विच शामिल नहीं हुंदे। उन्हें कहा कि अजिहा पहली बार होया कि राज करन वालियां तीन धिर कांग्रेस, भाजपा ते अकाली दल तिन्ने ही पंजाब की सत्ता तो बाहर हो गईआं ने अते पहली बार इन्हां नूं किसे ने सवाल किए ने। चंगा हुंदा मेरे साथी इत्थे आउंदे, पिछले 25-30 दिनों तो बहाने लाउंदे 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 इस गल ते पहुँच गए कि असीं नहीं आउंदे। ये गल शायद परमात्मा ने जिस दिन मेरे तो ये ट्वीट करवाया सी कि रोज़ दी किच किच नालों चलो आपां इकट्ठे बहने आ, पंजाब दी किसानी, पंजाब दी जवानी, व्यापार, दुकानदार, मोह मलाजे, टोल पलाजे, गुरुआं दी बाणी ते नहरां दा पाणी, हर मुद्दे ते आपां गल करदे आ बह के। जिस वेले परमात्मा ने मैनू बल बख्श के लिखाया होगा शायद वह उस दिन ही मुकर गए होणगे वी आह की पंगा पै गया। असल च की है, पहली बार होया कि राज करन वालियां तीन धिर, कांग्रेस, नाउ डेज बीजेपी, पहले कांग्रेस ही सी, अकाली दल, फिर कांग्रेस। सो बीजेपी कांग्रेस से कल तीन धिर पहली बार होया कि पंजाब की राजसत्ता तो बाहर हो गई, तो पहली बार होया कि इन्हां नूं किसी ने सवाल पूछा कि तुसी फैसले किहड़े लए। नहीं तो यह एक दूजे तो सवाल पूछते ही नहीं सी। सद्दा देना जिगरे वाला काम है। 25 दिन देते मैं नाल, जे मेरे विरुद्ध कुछ होंदा, फरोला फरोली तो बहुत की हुई है कई सालों की भी लभ जी विरुद्ध कुछ, जे मेरे विरुद्ध कुछ होंदा आउंदे ना फिर अज नहीं आए, आना चाहिए सी। फिर की होंदी थोड़ी जी मूँह तो हो जाती, ऊँ भी तो होगी हूँ जी। मान साहब की करिए हम है जी, तुम दसो हूँ फैसला तो लोग करे। 3.5 करोड़ इतने देखी जाता, करोड़ पता नहीं कितने कितने होर देखूगा, फैसला तुम करोगे, मैं जज नहीं है। मैं तो अज इतने मैं पहला क्या ना जित हारना कोई ना यदा कोई ये करना कि ये हक च नारे ज्यादा लग गए आ जित गया जित कहना। मैं थोनू ये कहना कि इस तरह की आदत पाइए कि लीडर मूँह तो बिठाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सांझे तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही भारत की मदद नाल बनाई गई 3 प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रोग्राम को संबोधन करदिया प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत खुशी की गल है कि असी एक बार फिर भारत बांग्लादेश की सफलता का जश्न मनाने इकट्ठे हुए हैं।
उन्हें कहा कि साढ़े रिश्ते नवीं उचाइयों छू रहे हैं। जिन्ना काम 9 साल होया है वह कई दहाकों में नहीं होया। उन्हें कहा कि दोहां देशों विचाले जमीनी सीमा समझौता और समुद्री समझौता होया सी। दोहां देशों दी इच्छावां नूं पूरा करन ते विशेष जोर दिता गया। 3 नवीं बसों की सेवा शुरू की गई। पिछले 9 साल 3 रेल सेवावां शुरू की गई सन। भारत और बंगलादेश दरम्यान 3 विकास प्रोजेक्टों के उद्घाटन मौके बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि वह दोवें देशों दरम्यान दोस्ती के बंधन को मजबूत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वचनबद्धता धन्यवाद प्रकट करते हैं। जिन्हें 3 प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया गया से उन्होंने अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लिंक, बंगलादेश के रामपाल में मैत्री सुपर थर्मल प्लांट की दूजी यूनिट शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम के 5000 कर्मचारियों को दिवाली का शानदार तोहफा दिता है। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने 5000 सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का अपना वादा पूरा किया है। केजरीवाल ने पत्रकारों से गलबात दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने निगम के 5000 कर्मियों को पक्का कर दिता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी लंबे समय तो अपनी नौकरी पक्की करने की मांग कर रहे सन, पर 15 साल सरकार में रही भारतीय जनता पार्टी ने इन दंगा कदे भी ध्यान नहीं विचारिया। उन्हें यह भी कहा कि हुण तक असी 6484 कच्चे सफाई कर्मियों को पक्का कर चुके हैं। उन्हें भी कहा कि दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में प्रस्ताव पास करके लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों को पक्के किए जाने को मंजूरी दी गई है। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज आप लोगों को एक खुशखबरी देने के लिए मैं आया हूँ। कल नगर निगम की सदन की मीटिंग हुई थी और उसमें प्रस्ताव पारित करके ये मंजूरी दे दी गई है कि नगर निगम के लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। वो सफाई कर्मचारी जो कच्चे थे उनको पक्का किया जाएगा। जनवरी में हमारी सरकार बनी थी नगर निगम में, तब से लेके आज तक लगभग 6494 सफाई कर्मचारियों को हम लोग पक्का कर चुके हैं। कच्चे कर्मचारी मतलब जिनकी नौकरी का कुछ नहीं पता, आज बुलाते हैं काम पे, कल नहीं बुलाते काम पे, महीने में 15 दिन बुलाएंगे कि 20 दिन बुलाएंगे इसका नहीं पता, छुट्टियों का नहीं पता, पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है। तरह तरह से सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जाता था। 15 साल से नगर निगम में BJP की सरकार थी जिसने सफाई कर्मचारियों का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सफाई कर्मचारियों की हमेशा मांग रहती थी कि उन्हें पक्का किया जाए। उस प्रक्रिया को अब हमने आगे बढ़ाया है। हमारा आपको वादा था कि हम सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे। जब से ये ऐलान किया है बहुत सफाई कर्मचारी बहुत खुश हैं। मेरे पास कल से ढेरों फ़ोन आ रहे हैं सफाई कर्मचारियों की, उनको पक्का किया गया है। पंजाब में भी जब से हमारी सरकार बनी है लगभग 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल के अंदर हमने 30,000 से ज़्यादा कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है। तो ये एक तरह से आम आदमी पार्टी की कमिटमेंट है। हम कच्चे कर्मचारियों का मतलब होता है उनका शोषण। जब भी हमें जिस भी सरकार में मौका मिलेगा, जहां भी हमें मौका मिलेगा, हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और ये कच्चे वाला सिस्टम भी धीरे धीरे इसको ख़त्म करेंगे। जब से आपने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है अच्छी अच्छी खबरें नगर निगम से आ रही हैं। पहले नगर निगम से केवल और केवल भ्रष्टाचार की दो ही खबरें आती थी, भ्रष्टाचार की खबरें आती थी। इतना भ्रष्टाचार होता था नगर निगम में 15 साल जब से BJP की सरकार थी, और बस यही सुनने को मिलता था कि सफाई अलग अलग किस्म के, केवल सफाई कर्मचारी नहीं, MCD के सभी कर्मचारियों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। सभी कर्मचारी केवल सड़कों पे प्रोटेस्ट करते नजर आते थे, हड़ताल करते नजर आते थे कि उनको तनख्वाह दी जाए। काफ़ी मशक्कत करने के बाद कई गलत चीज़ों को कंट्रोल किया है हमने पिछले 10 महीने में, और अब सभी कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह मिलने लगी है। पिछले 3-4 महीने से ऐसे होने लगा कि अब सभी कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह मिलने लगी है और सफाई कर्मचारियों के पक्के होने का सिलसिला चालू हुआ है। तो मैं आप सब लोगों को, दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, सभी कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूँ। अभी त्योहारों का सीज़न है, अभी अभी नवरात्रि गए हैं, दशहरा गया है, उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दिवाली आने वाली है,
दिवाली के मौके पे ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। दिवाली अब सब लोगों के लिए शुभ हो, छठ पूजा सब लोगों के लिए शुभ हो, दुर्गा पूजा काली पूजा अभी हुई हैं, सभी त्योहारों की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं, और भगवान आप सब लोगों को खुश रखे, आपके परिवार के लोगों को स्वस्थ रखे, खूब बरकत दे और आपकी सबकी मनोकामना पूरी करे। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਸੋਹੀਆਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਘ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਮਾਣਕਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਰੰਗ ਬਿਖੇਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 1, 2 ਔਰ 3 ਨਵੰਬਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਖੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਟੈਟਲਰ ਔਰ ਕਮਲਨਾਥ ਵਰਗੇ ਦਰਿੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 39 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਸੀਂ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟੈਟਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟੈਟਲਰ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਾਕ ਦਿੱਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਤਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਲੜਦੇ ਰਹੋ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੋ 1984 ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਪੀੜਤ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਜਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਢਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਪੀੜਾ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬ ਧਰਤੀ ਜਬ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ।
इस तो वड्डी होर अफसोस की गल की हो सकती है। सो सानू बड़ा दुख है इस गल का, लेकिन दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों असी जिते इन्हों पीड़ित परिवारों के नाल खड़े हाँ, इन्हों की हर जगह के उत्ते असी मदद के लिए खड़े हाँ, दिल्ली कमेटी वालों मदद करते आ रहे हैं, इन्हों के केस असी लड़ते आ रहे हैं। सज्जन कुमार सलाखा के पिछे है, माई पालपुर के केस के शराबतों का साथी जेलों के है, बाकी जोड़े केस चल रहे उन्होंने असी लगातार पैरवाई कर रहे हैं। देश के दे होम मिनिस्टर गृह मंत्री साहब ने सानू जिस तरह हम आश्वासन दिलाया कि सज्जन कुमार की जो जिस केस के बरी हो उसकी अपील असी पावे, सोलिसिटर जनरल उसकी पैरवाई करेंगे, होर जोड़े केस है उन्होंने सारे केसों के वलों सरकार वालों जोड़ा है वो सानू पूरा विश्वासन है विश्वास दवाया गया, और असी ये जिन्हें भी मगरमच्छ है इन्हों जेलों के पिछे जब तक ना भेज रही है अस चुप करके नहीं बैठा। दिल्ली दे विच अगर 1984 सब तो ज़्यादा कतलेआम होया सी तो कल्याणपुरी त्रिलोकपुरी के 32 ब्लॉक च होया सी, जिथे लगभग एक गुरुद्वारे दे विच जदों सवेरे ए शोर मचया कि सिखां दा नाल कतलेआम हुंदा पिया, तो सारे सिख जिहड़े गुरुद्वारे दे विच इकट्ठे होए उस गुरुद्वारे दे विच जिहदा नाम अज दी डेट च 32 ब्लॉक दे विच शहीद गंज हैगा, उत्थे 700 तो 800 जिहड़े सी सिख कतल कर दिते गए बेरहमी दे नाल। अज भी तुसीं जाके देख सकते हो कि उन्हां शहीदां दी फोटोआं उस गुरुद्वारे दे विच लग्गियां होईआं, जदों तुसीं जाओगे देखोगे तो तुहाडे रोंगटे खड़े होणगे, जिहदे अंदर इहो जिहे छोटे छोटे बच्चे भी सी जिन्हां दी अजे मुछां भी नहीं सी फुटियां सी, और वड्डे बजुर्ग भी सी, और जिथे ये वेख्या ही नहीं गया कि इन्हों का कसूर की है। अज भी वो फोटो जाके जब तुम देखोगे तो वह फोटो पूछदियाँ पी कि साडा कसूर की सी, सानू क्यों मारिया गया। तो मैं समझदा कि अज 39 साल हो गए ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ये सारे केसों की पैरवाई कर रही है, मेरे नाल जगशेर सिंह जी खड़े ने, ये मेरे नाल 84 की विधवावां खड़ियां ने सारिया मेरिया भैन, ये मैं तुहानू इन्नी गल जरूर दसना चाहना है कि ये वो लोग ने जिन्हां दे उत्ते बड़ा प्रैशर भी आया पर किसी प्रैशर च नहीं आए और इन्होंने ठोक के गवाइया दित्तियां। अज सज्जन कुमार जिहड़ा जेल के पिछे सलाखां के पिछे है वो जगशेर जी की वजह नाल है, और जब तक सानू इंसाफ नहीं मिलेगा असी इस तरह इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखो जी इस देश दे विच 39 साल लगने और तुसी चंगी तरह जानते हो भी क्यों लगे ने, क्योंकि सरकारां मिलियां होईयां सी, जदों दी बीजेपी दी सरकार आई फिर सानू कुछ फायदा होया और एक बंदा अंदर दे सके हां, असी चाहुंदे भी दूजे भी अंदर जाण और इहनूं सख्त तों सख्त सज़ा मिल, और बाकी तुसी नवां अज देख ही लिया होएगा तो राजा वड़िंग की बोल रहा, और रोज़ राजा वड़िंग ने बोलिया ना वो इहनूं पंजाब च अगे पता चलेगा ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਗਰਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਬਸ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 39 ਸਾਲ ਗਵਾ ਰਹੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, और जिदा ये कर रहे ने काम। देखो इन्हों ने आदमियों नू खड़ा करना जाके गवाहां ने गवाही देनी है, अंदर करना या बाहर करना वो तो जजा का काम है, कोर्ट का काम है, इस करके पूरा साथ दे आ। और मैं चाहना भी हिंदुस्तान की गौरमेंट तो दिल्ली की सरकार ये पूरा साथ दे कि बाकी आदमी भी अंदर। राज्यसभा मैंबर विक्रमजीत सिंह सानी ने 1984 सिख कतलेआम के मामले में इंसाफ की मांग लेकर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि 1984 देश के वख-वख हिस्सों में सिखां का कतलेआम होया जो अत्यंत दुखदाई से। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ते दिल्ली सरकार नाल तालमेल करके 1984 सिख कतलेआम के पीड़ित परिवारों दी मकान ते बिजली बिलों संबंधी दिक्कतों का हल करवाउण की पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि साका नीलाचार नाल संबंधित दस्तावेज डीकलासीफाई होने चाहिए ने। बड़ा ही दुखदाई दिन है, 1 नवंबर 1984 जो इस देश दे विच इस देश दी राजधानी दे विच कतलेआम होया नरसिंहार होया, मैं नहीं समझता कि उनू रॉयट कहना, क्योंकि बड़ा वितिवाद बड़ा प्लैंड एक्शन सी। तकरीबन 30-35 हज़ार सिखां ते जाना चलिया गई और किस तशद्दुद दे नाल उन्होंने शहीद किया गया, अज असीं स्टडी कर रहे सी तकरीबन 100 शहरां दे विच 18 तो 20 सूबियां दे विच गलां दे विच टायर पा पा के
और तसीहे दिते गए, जिंदा जला दिते गए। लेकिन हुण असी देखना है कि 39 साल के बाद एक पासे ते कोई न्याय नहीं मिलिया, एक बंदे नूं भी सज़ा नहीं हुई, काफ़ी कोशिशां चलिया, पहला कुछ साल तो कुछ होया ही नहीं, और उस तो बाद जो SIT बनी और केस चले, विटनेस भी उन्होंने ख़त्म करन दी साजिश की गई, जेडे विटनेस सी, हुण तो तीजी जनरेशन चल रही है, कोई न्याय नहीं होया इस देश दे विच सिखां नाल, जो इन्ना जुल्म तशद्दद दिल्ली वर्गे शहर च हो गया, जिथे आर्मी कंटोनमेंट जिहड़ी है 5 किलोमीटर भी दूरी ते नहीं है, और भारत दे राष्ट्रपति कुड हैव कॉल्ड आर्मी, पर कहिंदे उहदी उहनां दी मजबूरी सी, उह इक अलग है। इसे लई मैं पार्लीमेंट विच डिमांड कीती है कि ये सारा जिहड़ा रिकॉर्ड है ये डीकलासीफाई होना चाहिए। प्रॉब्लम ब्लू स्टार तो शुरू हुई, ब्लू स्टार का, और नाल ये जो 84 दे विच एक भी FIR उदो रजिस्टर नहीं हुई, क्यों नहीं रजिस्टर हुई? पुलिस भी ये साजिश विच शामिल सी, जेडे लोगों ने कोई पुलिस बुलाई हो सगो, जेडे मजलूम सी उन्हां ते केस पाते। इहदा मैं डिमांड है कि इहदा सारा रिकॉर्ड डीकलासीफाई सरकार नूं करना चाहिए। और 84 रॉयट दे विच जदों मैं स्टूडेंट सी उदों मैं पढ़ी सी, जिहड़ी रजनी कोठारी साहब और होर जिहड़े डेमोक्रेट सी उन्होंने एक छोटा जिहा पैंफलेट उदों छापिया सी, याद होना, हू आर द गिल्टी, वो मैं कई बार पढ़ता सी यूनिवर्सिटी दे विच। और तीजी गल, तिलक विहार, कानपुर, जमशेदपुर, होर जिथे भी ये तशद्दद होए भारत दे विच, उत्थे तिलक विहार की गल करिए ते उत्थे फ्लैट दिते गए, लेकिन अज तक उन्हां फ्लैटा की रजिस्ट्री, उन्हां फ्लैटा दे जिहड़ी मालकियत है वो उन्हां लोकां नूं नहीं मिली, उहदे ते व्याज लगी जा रहा है। इस तरह बिजली दे मीटर है, बिजली माफ़ की गई पहलां 400 यूनिट, फिर उन्होंने कहा 0 मीटर कर देंगे, वो 2017 तक होए, फिर अगों फिर लखां रुपए के बिल आ गए। हुण मसला अड़िया है कि दिल्ली सरकार कोल जाओ, वो दिल्ली सरकार अजकल तुहानूं पता है कि दिल्ली दे विच जिहड़ा मामला है, वो कहिंदे जी साडे ब्यूरोक्रेट सुनते नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट दी सुनते है। असीं हुण कोशिश फिर शुरू कीती है कुछ महीनों तो कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट नूं मिल के असीं ऑलरेडी उन्हां नूं कहा है कि भी ये अपनी जिहड़ी कशमकश दे विच गरीबां तो गरीब जिहड़े है वो सफ़र कर रहे हैं, तो इन्हां दे जिहड़े फ्लैट ने इन्हां नूं दिते गए तिलक विहार, वो इन्हां दा जो भी बाकी अमाउंट प्रिंसीपल है वो देण नूं तैयार ने, इंट्रस्ट माफ़ करो, उन्हां नूं मालकीत दईए, बिजली दे जिहड़े ये बिल है। चौथी गल, उदों गौरमेंट ने राइटिंग दे विच कहा कि जिहड़े 84 सिख रॉयट विक्टम्स ने उन्हां दे बच्चों रोज़गार दिता जाएगा। असीं साडे दफ्तर ने स्टडी की 6 महीने पहले, एक मैनू तो सानू तो एक भी बंदा कानपुर जमशेदपुर जिते जिते भी होया, ए दिल्ली च भी तिलक विहार, एक बच्चे नूं भी कोई नौकरी मिली होवे। पहला तो देखो दुख की गल है भी सज़ा किसी नूं नहीं, इन्ना कतलेआम हो गया, नरसिंहार हो गया, फिर इन्हां नूं हजे तक फ्लैट की ओनरशिप नहीं मिली, बिजली का बिल, फिर इन्हां नूं कोई जॉब नहीं मिली हजे तक। इस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने, NGOs ने, उदों लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह रोड़ा जी सी, सिख फोरम ने, असी वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन ने, सन फाउंडेशन ने, बच्चों नूं एजुकेशन स्कॉलरशिप पिछले 20 सालों तो उत्थे जिहड़े पहले बच्चियां दे विआह, असी सैकड़े बच्चियां दे विआह करवाए, उहदा एक प्रोटोकॉल सी, वह सरदार आत्मा सिंह लुभाणा उदों दुखिया जी होर बड़े बंदे सी, वो चलो वो सारे लोगों ने जिहड़े NGO पर उन्होंने हैल्प की, सरकार ने शायद 5 लाख रुपए दिता, पर एक आदमी की एक शहीद की जिहड़ी कीमत 5 लाख रुपया तो नहीं है। मैं सरकार तो मंग करना भी डीकलासीफाई द डाकूमेंट्स ऑफ ब्लू स्टार 84 रॉयट के नाल, कि पुलिस के सच तो सामने आए ताकि आने वाली पीढ़ियां पता लगे भी ये इन्ना वड्डा कारा, जिहड़े सिख
ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 123 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, 93 ਸਿੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਲੈਨਡ, ਇੱਕ ਰੋਡ, ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਰੋਡ, ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪਾਊਡਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 107 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅੱਜ 7 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵਕਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧਾ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਗੋਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਆਉਣਗੇ ਜੇ 600 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਾਲੇ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਦੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਗੋਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਸਿੱਖ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਸਿੱਖ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਸਿੱਖ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਬ ਹਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਹਮ 1984 ਕੇ ਕਾਤਲੋਂ ਕੋ ਫਾਂਸੀ ਕੇ ਫੰਦੇ ਪੇ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਕਿਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਤਾਲਾ ਕਿਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮੂ ਲਾਲ ਜੀ ਭਾਮੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ
श्री धरना भगत मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी संसद भवन में मुलाकात की है। इस मौके धनखड़ ने उन्होंने संसद भवन भी विखाया। रामू लाल जी भामू ने अपनी 14 वीघे जमीन उत्ते हैलीपैड बनाने की मंजूरी दी सी, जिस राही उपराष्ट्रपति का हैलीकाप्टर उतारा गया। सचखंड श्री दरबार साहब की परिक्रमा में स्थित शहीद बाबा दीप सिंह जी के अस्थान की कार सेवा अज पंथक रवायतों मुताबिक शुरू हुई है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इस सेवा दमदमी टकसाल के मुखी बाबा हरनाम सिंह खालसा को सौंपी गई। सेवा की शुरुआत मौके श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए। इस मौके संबोधन करदिया सचखंड श्री हरिमंदर साहब के मुख्य ग्रंथी और श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा कि शहीद बाबा दीप सिंह जी ने श्री हरिमंदर साहब की माण मर्यादा बहाल रखने लिए अपनी शहादत दी सी, जिस दी याद विच स्थित यह स्थान सिख कौम लई बेहद सतिकारत है। इस स्थान की लोड़ अनुसार सेवा करवा के यादगार की सांभ संभाल लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का उद्यम शलाघाजोग है। इस दौरान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि कौम लई शहीद होने वाले योध्या दी यादगारां दी सांभ संभाल करना कौम का मुढ़ला फर्ज हुंदा है। उन्हें भी कहा कि शहीद बाबा दीप सिंह जी के पावन स्थान की सेवा दमदमी टकसाल के मुखी बाबा हरनाम सिंह खालसा जी को सौंपी गई है। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने मीरी पीरी का धान श्री अकाल तख्त साहब की रचना करके पातशाही ते बादशाही का पवित्र जिहड़ा उस सिद्धांत चलाया ते उहदे नाल भी उस वेले दे जिहड़े हाकम सीगे वो इस गल का हमेशा झगड़ा रखते रहे, पर जदों भी इस पवित्र स्थान ते किसी ने कोई कोझा जतन बेहुरमती करन दा कीता ते गुरु के सिखां ने सतगुरु जी ने इस स्थान की उस जालमाना टक्कर लैन लई कोई ना कोई गुरुका सिख जिहड़ा सतगुरु जी ने पैदा किया। धन धन बाबा दीप सिंह जी जिन्हां दा ये बोंगा आ, उन्होंने अपना शीस बलिदान इस धरती से दे के गुरु रामदास पातशाह जी की पवित्र परिक्रमा च हमेशा वास्ते अपना स्थान बना लिया। ये बोंगे दे नाल पिछले पासे 2 कमरे होर आ जिन्हां ते लगातार खंड पाठ जिहड़े आ निरंतर जारी रहिंदे आ। आ स्थान जिहड़ा मैं तुहाडे मीडियम राही सारिआं नूं स्पष्ट भी करना चाहुंदा, ये बिल्कुल इहदे विच कोई इन बिन कोई बाध घाट नहीं कीती जाणी। ये सिर्फ केवल तां केवल जिहड़ा उत्ते अंदर जिथे सतगुरु जी प्रकाशमान आ उहदा सुंदरीकरण कीता जाणा, इक नाल आ छज्जा जिहड़ा परिक्रमा दा ते नाल बाहरले पासे उहदे विच इक वो लिंक जोड़िया जाना। सो सारिआं नूं निम्रता सहित बेनती है कि सिर्फ सुंदरीकरण बाकी स्थानों पर भी किए जाते, हुण दर्शनी ड्यूटी की भी अंदरले पासे कार सेवा चलती है। सो इस स्थान की सेवा मौजूदा मुखी दमदमी टकसाल संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरां वाले उन्होंने अज यह प्रारंभ की आ। सो पहला अखंड पाठां दे भोग, फिर उपरंत अरदास बेनती जोदड़ी करके सिंह साहब श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह जी जेडे सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के मुख्य ग्रंथी भी उन्होंने नाल तख्त श्री केसगढ़ साहब जी के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी सुल्तान सिंह जी सिंह साहब सरदार अमरजीत सिंह जी वो जेडे सचखंड के ग्रंथी आ उन्होंने तो समुचे तौर पर सिरमौर जथेबंदियां जिन्हां विच भाई पिंदरपाल सिंह जी साढ़े सिख विद्वान भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले ते होर जिन्हां दे विच संत बाबा बांता सिंह जी मुंडे पिंड वाले ते बहुत सारे महापुरशां ने शमूलियत कीती आ। मैं सारिआं नूं फिर अंत विच स्पष्ट करना चाहुंदा कि गुरु रामदास पातशाह जी दे दर दे उत्ते किसे पक्ष की कदे कोई तब्दीली नहीं हुंदी। आपां इत्थे कटाक्ष करन लगे थोड़ा जिहा आपां भावनावां नूं मुख रखिआ करिए। इह स्थान समुची मनुखता का स्थान आ ते आ जिहड़ा बोंगा ये शहीद बाबा दीप सिंह जी जिन्हां ने शीस तली ते रख के गुरु साहब जी के चरणों के आके शीस नसावर किया सीगा। तो इहदी सुंदरीकरण की अज जिहड़ी आ सेवा हुई आ। ये गुरद्वारा शहीद बोंगा साहिब धन धन बाबा दीप सिंह जी का शहीदी स्थान है और इस स्थान की लंबे समय तो सुंदरीकरण नवीनीकरण ते इमारत दे विच कुछ पुरानी होने करके कुछ कमियां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं नज़र आईयां, जिस कारण ये सेवा मानयोग श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरंग कमेटी ने
ਇਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਔਰ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਇਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਕਰਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਨਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਇੱਛਤ ਦਾਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਲਟਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਸਟਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਰ ਸਮੇਤ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ SSP SAS ਨਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭੇਖੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਸੀ ਮਾਨਸਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ .30 ਬੋਰ ਦੀਆਂ 2 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲਚਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੇਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। IGP ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਟਾਣਾ ਦੇ ਕੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ DSP ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ DSP ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਵਜੀਤ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਪੂਰਨ ਐਗਰੀ ਵੈਂਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਅਹਿਲਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਫਦ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 11-21 ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। SSP ਦੀਪਕ ਹਿਲੌਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। SSP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਸਤੰਬਰ ਕੋ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਥਾ ਡੇ ਟਾਈਮ ਮੇਂ, ਇਸਮੇਂ 6 ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੇ ਆਏ ਥੇ ਔਰ ਰਵੀ ਨਾਮ ਕਾ ਬੰਦਾ ਥਾ, ਉਸ ਪੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਥੀ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਥੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਮੇਂ 3 ਬੰਦੇ ਕੱਲ ਪਕੜੇ, ਰਾਹੁਲ, ਜੈਕਬ ਔਰ ਟਿੰਕਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਮੇਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਨਸੇ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬਾਸੀ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਮੇਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਥੀ। ਦੇਖ, ਗੁਰਚਰਨ ਬੱਟੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ 20 ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਥਾ ਉਸਸੇ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਆਪ ਇਨਕੇ ਲਿੰਕਸ ਦੇਖੇਂਗੇ ਤੋ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਜੈਸੇ ਜੱਗੋ ਜਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਇਸਕੇ ਲਿੰਕਸ ਹੈ। 20 ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਥੀ ਇਸਕੀ। ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਸੈਟ ਕਾ ਥਾ, ਆਰਿਫ ਕੇ ਥਾਣੇ ਕਾ ਥਾ ਔਰ ਅਭੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਆਮ ਸੈਟ ਕਾ ਪਰਚਾ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਕੇ ਅਕਰੋਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਲਿੰਕਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁੱਟਾਂ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ADCP ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ
302 का मुकदमा दर्ज होया सिविल लाइन के डिटेक्ट किया दैन 307 का किया। इस तो अलावा एक 9 लाख की जी डकैती हुई सी वह भी मुकदमा डिटेक्ट किया। और अपार्ट फ्रॉम ये सिविल लाइन तो अलावा असं जे है एक मुकदमा सदर का भी 302 का जो दुशहरे वाले दिन होया डिटेक्ट किया। सो कह मतलब दो मर्डर के केस हो गए, एक अटैम्प्ट और एक रॉबरी के केसिस के संबंध में जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ की जा रही है। जलंधर के बाल्टन पार्क में पटाके वेचने लिए दुकाना लगाने बाबत अज लकी ड्रा कढ़िया गया। यह लकी ड्रा IPS आदित्य की अगवाई में कढ़िया गया। लाइसेंस शाखा की ब्रांच में 469 व्यक्ति ने फार्म जमा करवाए गए सन, जिन्हों में अज 20 के ड्रा कढ़े गए हैं। 40वें इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हाकी टूरनामेंट के पहले सैमीफाइनल में आर्मी 11 दिल्ली की टीम का मुकाबला कैग दिल्ली की टीम नाल, अते दूजे सैमीफाइनल में इंडियन ऑयल मुंबई की टीम का मुकाबला पंजाब पुलिस जलंधर नाल होगा। ओलंपियन सुरजीत हाकी स्टेडियम में जारी टूरनामेंट के आखिरी लीग मैचों में अज कैग दिल्ली की टीम ने भारतीय एयरफोर्स दिल्ली की टीम को 1-0 नाल हरा के सैमीफाइनल में स्थान बनाया। पूल ए दे विच इंडियन ऑयल 9 अंक हासिल करके पहले स्थान पर पहला ही पहुँच चुकी है, जबकि कैग दिल्ली ने 3 मैचों में 6 अंक हासिल करके पूल ए विच दूजा स्थान हासिल किया है, जबकि दूजे मैच में आर्मी 11 दिल्ली की टीम ने पंजाब नैशनल बैंक दिल्ली की टीम को 4-3 के फर्क नाल हरा के सैमीफाइनल में स्थान बनाया। पूल बी विच आर्मी ने 3 लीग मैचों में 2 जितां दर्ज करके अते 1 मैच बराबरी ते रख के कुल 7 अंक हासिल करके पहला स्थान हासिल किया है, जबकि पंजाब पुलिस ने 3 लीग मैचों में 2 जितां दर्ज करके 6 अंक हासिल किए ते पूल बी विच दूजा स्थान हासिल किया है। न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका विचाले एक रोजा विश्व कप 2023 का 32वां मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में खेडा गया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के दक्षिणी अफ्रीका को पहला बल्लेबाजी करने का सौदा दिता। पहला बल्लेबाजी करदया दक्षिणी अफ्रीका ने 50 ओवरों में 4 विकेट गुआ के 357 दौड़ा बनाईया और न्यूजीलैंड को जित लई 358 दौड़ों का टीचा दिता। टीचे का पेछा करन उतरी न्यूजीलैंड की पूरी टीम 167 दौड़ों उत्ते ही ऑल आउट हो गई। पूरे देश के विच अज करवा चौथ का त्यौहार औरतों वालों मनाया गया। अज के दिन औरतों वालों अपने पति की लंबी उम्र के लिए वर्त रखा जाता है। इस दे चलदे अमृतसर में करवा चौथ का त्यौहार मनाते हुए औरतों के मॉडलिंग सब तो सोहनी ड्रैस और सब तो सोहने मेकअप के मुकाबले करवाए गए और विजेता औरतों को गिफ्ट भी दिए गए। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं जाते हैं निर्माण मौसम के हाल से बने रहो चढ़ते कला टाइम टीवी के। धन्यवाद।